नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसा स्टडी में। दोस्तों, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर करंट अफेयर का वीडियो लेके आया जाए, क्योंकि टाइम की कमी मेरे पास भी है, बट जो है फिर भी मैं आप सबके लिए एक नया मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है कि इसमें जैसे कि चूँकि संसाधनों का अभाव मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टाइप राइटर बैठा हुआ कि मैं टाइप करवा के आपको करंट अफेयर पढ़वाऊँ, बट जो है मैं करंट अफेयर जो है इसमें आपको ऐसे ही डायरेक्टली मैं जो है बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर यह वीडियो आप ऐसे ही सुनेंगे केवल देखेंगे तो आपको निश्चित ही ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हाँ, इस वीडियो में मेरा मकसद यही रहेगा कि जैसे कि बकवास के जो करंट अफेयर होते हैं वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, कि जो करंट अफेयर सीधे परीक्षा में छपने वाले होंगे, मतलब वो सीधे आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है, तो वही करंट अफेयर में डिस्कस करूंगा और उसका जो सोर्स है वो घटनासार है, घटनासार से मैं जो है आपको पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू वीडियो आ ही पाए, बट अगर हाँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कम से कम 500 का तो टारगेट है ही कि 500 करंट अफेयर आपका मैं कंप्लीट करूंगा, और मेरी गारंटी कम से कम आपके 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें से आ जाएंगे, 15 से ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे, बट हाँ अगर ये टाइम मिल देगा तभी मैं इस पर कंटिन्यू करूँगा। और एक कंडीशन ये है कि इसमें कम से कम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पर 1000 व्यूज़ कम से कम आने चाहिए। अगर 1000 व्यूज़ आ जाता है, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊँगा, वरना जो है इसको बंद कर दूँगा। क्योंकि मेरा मकसद आप चूँकि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट जो है अगर इसको ज़्यादा आप लोग सराहेंगे, ज़्यादा इसको प्यार देंगे इस वीडियो को, तो मैं आगे इसको पढ़ाऊँगा, क्योंकि इससे मेरा भी टाइम जाएगा और साथ ही एफर्ट लगता है पढ़ाने में किसी चीज़ को। तो अगर आप कम से कम इस वीडियो का जो व्यूज है 1000 तक पहुंचा देंगे तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वरना नहीं। हाँ, एक गारंटी ये भी है कि इसमें ये 100% आपका टाइम नहीं बर्बाद होगा, इसमें जो भी करंट अफेयर मैं इसमें बताऊँगा, जो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा आपसे, उसके साथ साथ और क्या कैसे आपको पढ़ना चाहिए ये तरीका भी आपको पता चलेगा। साथ ही में जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वही मैं इसमें डिस्कस करूँगा, फर्जी कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होगा जिससे आपका एक भी सेकेंड बर्बाद हो, ना आपका बर्बाद हो ना मेरा बर्बाद हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो सीधी बात है मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा इसी तरीके से, क्योंकि ये मेरी अपनी डिमांड नहीं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपके अकॉर्डिंग बनाता हूँ। अदर यूट्यूब चैनल में क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, बट मेरा मकसद होता है कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या चाह रहे हैं। तो कई बच्चों ने इस बात की डिमांड की थी कि सर प्लीज़ बनाइए, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा हमारे पास ना तो इक्विपमेंट है कि मैं उस तरीके से अरेंज करके आपको एक अच्छा वीडियो दे पाऊँ, तो और भी बहुत से काम होते हैं, तो मैं जैसे भी हो पा रहा है आपके लिए एक काम कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप पूरा वीडियो देखिए और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे, आप सुनेंगे भी तब भी आपका तैयार हो जाएगा, आपको बकवास करंट अफेयर आप ये भी समझ पाएंगे कौन सा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। तो मैं ये घटनासार से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, घटनासार जो भी है अभी तक जून तक जो आया हो वहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वही मैं इसमें डिस्कस करूँगा। चलिए, ज़्यादा कुछ और ना बता के अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही जैसे कि एक कोई थीम स्टार्ट करूँगा कि जहाँ से करंट अफेयर के 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा, साथ ही आप इस चीज़ को महसूस भी कर पाएंगे कि जो मैंने टाइम दिया वो बर्बाद नहीं गया, बल्कि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। हालाँकि आप भी पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर, ऐसा नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें जो है वही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा जो आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हर वर्ष आप देखते होंगे एक कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय यूएन का वर्ष आता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष किसी न जो वर्ष घोषित किया जाता है उसको किसी भी इशू को लेकर उसको घोषित किया जाता है, जो भी होता है, जो भी कंसर्न होती हैं चीज़ें उसी को घोषित करते हैं कि ये इस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे मैं सारा जो यहाँ से बन सकने की संभावना है क्वेश्चन यूएन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने वाला, तो वो मैं बताऊँगा। एक हो गया आपका 2023, एक हो गया आपका 2024 और एक हो गया आपका 2025। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो करके आएगा ताकि आप भी देखें और मैं भी जो है बना पाऊँ वीडियो। 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के रूप में, ठीक है, कौन सा मोटे अनाज के रूप में इसको घोषित किया गया था, तो ये जरूर आप याद रखें। ये अब थोड़ा सा अगर इसको टफ बनाएगा तो तीनों एक साथ दे देगा, वरना 1-2-1 देगा बस, बट तीनों आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप जाता है एग्जामिनर तो आप कर सकें। 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है,
ये मैंने अपने कम्युनिटी चैनल में जो है शेयर भी किया था, तो कैंडिडेट्स के रूप में, तो वहाँ आप लोग जो कम्युनिटी बॉक्स होता है वहाँ जाके आप लोग जरूर अटैम्प्ट किया करिए क्वेश्चन, क्योंकि वो वही क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में छपेंगे, 100% है वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वहाँ भी जाके आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, और जो मेरी टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप जुड़िए, तो जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तो 2024 को किस रूप में मनाया जाता है, कैंबिट्स के रूप में जो है मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में ऊँट, ठीक है। तो ऊँटों के संरक्षण के लिए ऐसा किया जा रहा है, और आपको पता होगा कि हर वर्ष जो है भारत में वो ऊँटों का एक फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है ये आपको पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। हालांकि जो बता देता हूँ मैं, ये राजस्थान के बीकानेर में हर बार होता है, ठीक है, वहाँ पे आयोजित होता है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो एक इसी तरह का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो मोटा अनाज को और क्या कहते हैं, इसको श्री अन्न कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री अन्न, ठीक है। आपको पता होगा इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट होता है, तो इस वजह से इसको भारत सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है मोटा अनाज। और कैंबिट्स आपको पता होगा कि ये जो है 2024 में इसको मनाया जा रहा है, 2024 में इसको घोषित किया गया है, और 2025 किस के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो अभी नेक्स्ट वर्ष आएगा उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम एंड प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक है, इंटरनेशनल क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में इसको घोषित किया जा रहा है 2025 को। तो 23 को मोटा अनाज, 24 को कैंबिट्स, और 25 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की मतलब 99% चांसेज हैं। अब आते हैं हम लोग थीम पर आएंगे, कि थीम से जो कि दो क्वेश्चन आ जाता है, हर बार थीम से एग्जामिनर जो है क्या करता है, 102 क्वेश्चन बना देता है। तो थीम में क्या क्या है, इसमें सबसे पहले हम जनवरी माह का स्टार्ट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे आप लोग पूछते हैं सर किस तरीके से पैटर्न समझे, तो पैटर्न यही है, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन बना रहा है, या तो क्या कर रहा है कि ना जो दिवस होता है जैसे जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस या वाटर डे, तो उसका आगे दिन दे देता है कि किस दिन मनाया जाता है, उसको मैचिंग में आता है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका थीम आ जाता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डे का थीम क्या होता है, दूसरा ये क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, तो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान लीजिए ये हो गया, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार, 100% आना ही है। तो मैं इसमें वही डिस्कस करूँगा जो ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं ये आएगा, और 100% हर बार आता भी है, ठीक है। तो मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, मनाया जाता है हर बार विश्व ब्रेल, जो जो है अंधे लोग होते हैं उनके लिए एक प्रकार की ये ब्रेल लिपि होती है। तो हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। और इसकी जो थीम है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, मतलब हमको क्या करना है, सभी को इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से सबको समाहित करना है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ देना है। सबके लिए तो एक कोई ना कोई लिपि होती है, तो क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते उनके लिए भी पढ़ने लिखने की व्यवस्था किया जाए, इसी पे आधारित है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद जो है, अब 4 जनवरी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जनवरी का डे होता है वो है फ्रेंड्स 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी का होता है। और 9 जनवरी आपको पता होगा कि इसी दिन महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे, प्रवासी भारत, इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको हर वर्ष जो है मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आता है। और इसकी जो थीम है वो है प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, मतलब कि आपको पता होगा कि भारत सरकार द्वारा 2047 तक क्या है कि देश को विकसित बनाने का जो संकल्पना जो घोषित किया गया है, तो इसमें अभी से 2045 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो अमृतकाल का टाइम पीरियड है। तो इसी टाइम पीरियड में प्रवासी भारतीय क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसी पे इस थीम को बनाया गया है कि प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है, कि उनके कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से वो अपना सहभागिता दे सकते हैं देश को विकसित बनाने में। तो 9 जनवरी का थीम ये हो गया। उसके बाद फिर 10 जनवरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें 10 जनवरी माह में 10 जनवरी इसमें मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है हर वर्ष। और यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद बताएंगे, कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अभी एफर्ट लगाइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।
और विश्व हिंदी दिवस मैंने जो है बता दिया 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि क्या किया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, ठीक है, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल, आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट किया जाए उसमें, उसी पर आधारित है ये थीम। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं याद है, बस आप ए ही याद कर लीजिए कि हिंदी के साथ ए ही वाली जो थीम है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो होगी थीम वो विश्व हिंदी दिवस की थीम होगी। अगर कुछ नहीं याद है तो उसमें जो कीवर्ड होते हैं आप उसको पकड़िए, जरूरी नहीं पूरी थीम आपको याद होना जरूरी है, उसके जो थीम है उसको पकड़िए आप। उसके बाद जो अब एक बात मैं आपको और बता दूं फ्रेंड, जो थीम होती है अक्सर एग्जामिनर छोटी थीम को एग्जाम पेपर में रखता है, जो बड़ी थीम होती है उस पर क्वेश्चन कम बनाता है। हाँ, जैसे कोई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया या पृथ्वी दिवस हो, तो अगर उसकी थीम थोड़ी बड़ी है तो वो आ सकती है, बट हाँ कोई ऐसा डे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसकी थीम अगर छोटी है तो वो क्वेश्चन बन सकता है। तो थीम जो छोटी होती है उसका क्वेश्चन बनाने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। अब आगे आते हैं, देखते हैं, अब 12 जनवरी का जो जनवरी माह का और जो इम्पोर्टेंट है 12 जनवरी, तो इसकी जो थीम क्या है, इसमें ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्मदिन के मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा 12 जनवरी को। तो इसकी जो थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, ठीक है, क्या है, इट्स ऑल इन द माइंड, मतलब सब कुछ क्या है माइंड में है, सब कुछ आपके दिमाग में है इसकी थीम। और कोशिश ये करिएगा थीम हमेशा अंग्रेजी में पढ़ने का वो सोचिएगा, क्योंकि जो हिंदी का थीम होता है कभी कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रांसलेट हिंदी में कई अर्थ होते हैं तो उसमें चेंज आ जाता है, तो अगर आप अंग्रेजी में थीम को याद करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपको बेनिफिट करेगा, या वहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। इट्स ऑल इन द माइंड, ये है राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम। उसके बाद 15 जनवरी का जो थीम है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 15 जनवरी, ठीक है, जो भी सेना दिवस, राष्ट्रीय नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है, तीनों आपको आना चाहिए, कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है। हालांकि इसका थीम अभी तक नहीं आया बट हाँ इसका दिवस जरूर आया हुआ है। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, और इसकी है राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है, राष्ट्र की सेवा करना। उसके बाद जो है फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है 24 जनवरी, तो जो इम्पॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ और मैं और नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई आएगा, और आएगा भी तो वो सबके लिए बराबर होगा, बट ये आपको एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में अब मनाया जाता है। आप इसको बस सुनिए, मैं बहुत अच्छे से नहीं लिखूँगा इसमें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है अस्थाई शांति के लिए सीखना, मतलब अगर शिक्षित होंगे आप लोग तो सीधी सी बात है शांति आएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या होगा अस्थाई शांति आएगी, तो अस्थाई शांति के लिए सीखना। आप चीज़ों को जो भी कॉन्सेप्ट जो भी मतलब थीम मनाया जाए तो उसको अपने उस चीज़ से जोड़िए, जो भी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो शिक्षा से क्या होगा, शिक्षा से शांति आएगी, तो इस तरीके से थोड़ा जोड़ने का प्रयास करिए, तो ताकि अगर दिमाग से भूल भी जाएँ तो जो आपने छोटी सी कहानी बना के रखी होगी, जो आपने सोचा होगा वो आपको वहाँ याद आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और जो 25 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय जो है पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आया हुआ है। तो 25 जनवरी को दो दिवस मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाताओं में जागरूकता के लिए जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर बार मनाया जाता है। और नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, मतलब हम सबको वोट 100% देना ही देना है, वोट के जैसा कुछ नहीं। इसी वजह से हर बार क्या किया जाता है कि ब्रांड एंबेसडर बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत प्रतिशतता में वृद्धि करें। और 25 जनवरी जो दूसरा है उसमें राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, तो इसमें क्या स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, मतलब जब आपकी जर्नी जो है क्या होगी स्टेबल होगी, तो और साथ में इसमें टाइमलेस मेमोरी, मतलब ऐसी जो है मेमोरी जो कभी ना भूले, ठीक है, टाइमलेस, ठीक है, स्टेबल जर्नी एंड टाइमलेस मेमोरी, तो इसमें मतलब पर्यटन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जो है इसका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम जो है काफ़ी अच्छी थीम है, स्टेबल जर्नी एंड टाइमलेस मेमोरी, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जो है आया हुआ है क्वेश्चन ये, और इसकी थीम आ सकती है, क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और मैं जो बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना हो। उसके बाद फिर जनवरी माह जो और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है वो है 30 जनवरी को फ्रेंड्स, ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में हर बार इसको 30 जनवरी को और भी कुछ मनाया जाता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जनवरी का अंतिम रविवार कह सकते हो, जनवरी का अंतिम रविवार भी वो जो है
जो होता है वो विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। और इसकी जो थीम है क्या है, कुष्ठ रोग को हटाएं, ठीक है, रिमूव द कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को क्या करना है, हटाना है। तो ये जो है आपका जनवरी माह का हो गया। और उसके बाद जो है जनवरी माह में ही एक सप्ताह घोषित किया गया, तो एक क्वेश्चन हमेशा यूपी पीसीएस आयोग सप्ताह का भी बनाता है, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो जनवरी माह में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, तो उसमें जो है 11 से 17 जनवरी, चूँकि अभी पता होगा राष्ट्रीय रोड सेफ्टी के रूप में कई अधिनियम भी आए हैं भारत सरकार द्वारा, उसमें चेंजमेंट किया गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया, किस सप्ताह में, 11 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। और इसकी जो थीम क्या थी, बी ए रोड सेफ्टी हीरो, क्या है, बी ए रोड सेफ्टी हीरो, ठीक है, ये इसकी थीम है। तो इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में इसका सप्ताह भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स जो है फरवरी माह के इम्पॉर्टेंट वीक, ये जनवरी माह में इसमें से जो है आप सीधे सीधे देखेंगे, ये एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब फरवरी माह में आते हैं, तो सबसे पहले जो फरवरी माह है उसमें जो है 2 फरवरी आप देख सकते हैं, 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को किस दिन के रूप में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ यूपी पीसीएस आयोग 2 फरवरी को उसका पसंदीदा क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे या तो थीम पूछता है या तो डे पूछता है। तो 2 फरवरी के रूप में मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, ठीक है, वेटलैंड को सुरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है, थीम क्या है इसकी, इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ठीक है, जब वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, तो ह्यूमन पे आधारित करके इसको बनाया गया है, इस तरह से आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आर्द्रभूमि होगा तभी क्या होगा, सभी लोग जीवित होंगे, बायोडाइवर्सिटी संरक्षित होगी। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइए कि भारतीय जो राष्ट्रीय जैव विविधता एक्ट है वो कब आया था, ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ, ये आया था 2002 में, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस एक्ट आया था। और इसका जो राष्ट्रीय जैव विविधता केंद्र है अभी हाल ही में घोषित किया गया, तो तमिलनाडु में ये है, कहाँ पे है, तमिलनाडु, देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो जाएगा, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है। और साथ ही जब भी उत्तर भारत बार आता है रामसर साइट के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइटें हैं, जो है सूचीबद्ध हैं, रामसर साइटें हैं 85 हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। और जो है उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं, जो कि राज्यों के मामले में सेकंड पोजीशन पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो इस तरीके से जब आप पढ़ें तो चीज़ों को जोड़िए, थोड़ा सा अपने जीएस से जोड़िए, तो चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका इस तरह से रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार सब्जेक्ट उठा के रिवीजन ही करें, कुछ चीज़ें अगर उस टाइप की सिमिलरिटीज आती हैं तो वहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन को दिमाग में रिवाइज करिए, तो इससे आपका जो है रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 2 फरवरी मैंने बता दिया, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अच्छा हाँ, आप लोग ये भी बताइए कि विश्व में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल किस देश में है, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और उसके बाद फिर 4 फरवरी देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आए हुए हैं किसी ना किसी वर्ष में, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी थीम थोड़ा सा बड़ी है, बट देख लीजिए, देखभाल के अंतर को ख़त्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुँच का हकदार है, मतलब सभी को जो है क्या करना है, कैंसर को ख़त्म करना है, सभी को इसका कोई हकदार है कि जो है इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, देखभाल के अंतर को ख़त्म करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का हकदार है, कि सबके पास दवा इसके ट्रीटमेंट पहुंचे। और हाँ, एक क्वेश्चन ये बताइए कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक कैंसर को फिनिश करने का लक्ष्य रखा गया है, कैंसर इसका टाइमलाइन क्या है, ये पूछता है क्वेश्चन, किस वर्ष तक एड्स को ख़त्म करने का टाइम पीरियड रखा गया, किस वर्ष तक मलेरिया को ख़त्म करने का टाइम पीरियड रखा गया है, किस वर्ष तक जो है टीबी को ख़त्म करने का टाइम पीरियड रखा गया। ये 4-5 जो मैंने बताया है, ये सीधे सीधे एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से अगर आपको ना पता हो सर्च करिए, सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि अन्य लोग भी इसको देखें। तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस, इसका थीम मैंने बता दिया। उसके बाद जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 10 जनवरी है, ठीक है, क्या है, 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस के रूप में 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल, ठीक है, पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल, तो इसको देख लीजिएगा आप घटनासार में, अगर घटनासार लेके बैठेंगे तो आपको भी सही समझ में आएगा, पीछे थीम आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है जो इम्पॉर्टेंट है उसमें जो है और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं 13 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी के बाद कौन सा आ सकता है, 13 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस, कौन सा,
विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट एक बार ये भी आया हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा पेपर मुझे कंठस्थ है, तो मुझे ये चीज़ तो पता है हो जाती है कि ये कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा नहीं आया हुआ, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। ठीक है, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि आपको मैं फर्जी का क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँगा, जो भी बताऊँगा वो इम्पॉर्टेंट ही होगा। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग इंटरेक्टिंग एंड एजुकेटिंग। मतलब क्या करता है रेडियो, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इंटरेक्टिंग, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिंग बनाता है, और एजुकेटिंग, आपको शिक्षित भी करता है। और उसके बाद जो फरवरी का सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसमें जो है 21 फरवरी को जो है क्या बनाया जाता है, 21 फरवरी को ये ARO 2016 के पेपर में आया था, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे जाके पेपर में मिलेगा आपको। 21 फरवरी भी इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। इसकी जो थीम है बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ी का शिक्षा का स्तंभ। ठीक है, मतलब मल्टी लिंग्विस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा, सीखने को जोड़ देना, और अंतर पीढ़ी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा के उसको प्रसारित करना, अंतर पीढ़ी का शिक्षा का स्तंभ। तो ये देख सकते हैं इसका थीम है। और उसके बाद जो फरवरी माह का जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, उसमें जो है फरवरी माह के बस इतने ही इम्पोर्टेंट है फरवरी माह के, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और लाइक करिएगा, और अगर इसको थोड़ा ठीक ठाक व्यूज़ मिल जाएगा तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, वरना नहीं। ठीक है, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ही देखेंगे पेपर में, अगर आप सुने भी रहेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 15 से 20 क्वेश्चन आपको ये सीधे सीधे मिल जाएगा जो भी मैं डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।